वेलकम टू कुशल अध्ययन पॉइंट। मैं अभय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपकी फैमिली में। और आज ये जो वीडियो है वो आपको फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से दोनों जगह मिल जाएगा, ठीक है। सभी वीडियो थे आप देख रहे होंगे कि सभी क्लास है ना एक दिन में चल रही है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स वीडियो आते रहे हैं, आते जा रहे हैं और ऐसे ही आते रहेंगे, ठीक है। और मेरा कहने का तात्पर्य ये भी है बेटा कि आप देख सकते हैं कि आज का गैस अवस्था की विशेषता है, और गैस जो गैस पदार्थ है, ठीक है, पदार्थ तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस द्रव गैस। तो हमने दो अवस्थाओं को कंप्लीट कर लिया है और आज हम तीसरी अवस्था को पढ़ रहे हैं, ठीक है। होती तो पांच है, बोस आइंस्टीन और प्लाज्मा, तो वो हम चैप्टर के लास्ट में जो टॉपिक लेकर आएंगे उन्हें मैं समझाने का प्रयास करूँगा। तो आपसे मेरा एक विशेष अनुरोध है कि आप अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें लाइक, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, शेयर कर दें सभी जगह जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन्हें। आज फेसबुक से जुड़ेंगे तो आप हमें जुड़ सकते हैं अभय कुमार सर, अभय कुमार सर नाम से मेरा थे प्रोफाइल है, वहाँ पर आपको ये सभी वीडियो टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। सभी वीडियो को मैंने थे बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस करके डाल रखा है और आपको पढ़ाने का प्रयास किया हुआ है, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए हम सीधे आपको टॉपिक पे ले जाते हैं। टॉपिक पे ले जाने का प्रयास हम इसलिए करेंगे क्योंकि हम अच्छी तरीके से इसे टॉपिक को पढ़ने का। अब हम गैस अवस्था की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। गैस अवस्था क्या होती है तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ना तो इसका आयतन निश्चित होता है ना ही आकार, क्योंकि इसके जो कण होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, जो कण होते हैं वो आकर्षण क्या नहीं करते, आकर्षण नहीं करते। आकर्षण का मैं आपको बता दूं बेटा कि ये एक दूसरे से कनेक्टिविटी अट्रैक्ट नहीं होती, ठीक है। जैसे ठोस की हमने बात की थी तो ठोस में बेटा हमने देखा कि थे वो करके क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और क्या बंधे हुए हैं एक दूसरे से, बिल्कुल घनिष्ठ, ठीक है, उनमें कोई स्पेस नहीं था। प्लस बेटा हम थे इसकी बात कर रहे हैं द्रव की, तो द्रव में क्या है उसका जितना आकार होता था जैसे हमने किसी सेम में लिया तो वो क्या एक दूसरे से कण बंधे हुए थे, ठीक है। पर इसमें क्या है कनेक्ट, इसमें थे कोई कण बंधे नहीं हुए हैं, कोई कण बंधे नहीं है। तो अब हम बात कर रहे हैं इनकी, तो बात देख लो गैस अवस्था की विशेषता आकृति की बात कर रहे हैं इसमें, किसकी बेटा आकृति की। तो गैसों में अणुओं की स्थितियां निश्चित नहीं होती हैं, अणु या कण कैसे नहीं होते, निश्चित नहीं होती है। अंतराणु स्थान अधिक होने के कारण अंतराणु आकर्षण बल अत्यंत कैसे होता है बेटा, इनके जो कणों में जो आकर्षण बल होता है वो कैसे होता है अत्यंत बहुत ही कम होता है, ठीक है, क्या होता है कम होता है। फलस्वरूप अणुओं की गति करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है और ये गतिशील अत्यधिक गतिशील होते हैं। मैंने उस दिन भी आपको समझाने का प्रयास किया था कि आपने देखा होगा कि हम अपने घर में क्या कर रहे हैं खाना बना रहे हैं, तो खाने की खुशबू क्या बेटा हमारे पूरे मोहल्ले में आ रही है, या हमारे जो खाने बनाने वाली जो गैस है बेटा उसके अणु है बेटा वो क्या कर रहे हैं वो हमारे मोहल्ले में घूम रहे हैं या गैस खुली रह जाती है। तो हम कह सकते हैं बेटा कि सभी कण क्या है घूम रहे हैं और हमारे नाक द्वारा हम उसे सूंघ सकते हैं, सूंघकर पता पा सकते हैं कि हमारे रसोई में गैस खुली हुई है। तो हम कह सकते हैं तो गैस के जो अणु होते हैं वो अति गतिशील होते हैं, यही कहने का कार्य किया जा रहा है, स्वतंत्रता से पूर्ण स्वतंत्रता से गति करते हैं, क्या करते हैं पूर्ण स्वतंत्रता से बेटा क्या कर रहे हैं बेटा गति कर रहे हैं। अब देखो इसलिए गैसों की आकृति भी कैसी होती है बेटा अनिश्चित होती है, कैसी होती है बेटा अनिश्चित होती है। अब देख रहे हैं यहाँ पे आयतन की बात कर रहे हैं, आयतन में अगर मैं बात बताऊं बेटा आयतन गैसों के मध्य लगने वाला अंतराणु आकर्षण बल नगण्य या कम होता है, क्या होता है कम होता है, बल मतलब ये अट्रैक्ट नहीं रहते हैं, बहुत ही कम अट्रैक्ट होते हैं, यही कारण है कि इनका आयतन भी निश्चित नहीं होता। आयतन कैसा नहीं होता बेटा, यही कारण है क्योंकि इनके जो कण होते हैं उनमें जो थे अट्रैक्टिविटी होती है, अट्रैक्ट मतलब आकर्षण करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही कम होती है, कैसी होती है बेटा बहुत ही कम होती है। अब देखो यहाँ पे अर्थात जिस बर्तन में इनको रखा जाता है ये उसी का आकृति ग्रहण कर लेते हैं, इन्हें चाहे किसी और इन्हें रखा जाता है उसी का आकर्षण। आपने देखा होगा कि
आपके मार्केट में मिलने वाले क्या होते हैं, परफ्यूम्स होते हैं, वो भी गैस की वजह से होते हैं, और एलपीजी गैस होती है, आपने भी देखा वो स्टैंडर्ड में रखे जाते हैं। तो इन्हें जिस चीज में, मतलब जिस भी सेल में रखेंगे उसमें ये क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। पर अब घनत्व की बात कर लें, गैसों के अणुओं के मध्य अंतराणु स्थान अत्यधिक होने के कारण गैसों का घनत्व ठोसों तथा द्रवों की तुलना में क्या अत्यंत ही कम होता है, क्या होता है बेटा, अत्यंत ही कम होता है। संपीड़ता कंप्रेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो गैसों की संपीड़ता अत्यधिक होती है, कैसे होती है, अत्यधिक होती है, क्योंकि गैसी अणुओं के बीच रिक्त स्थान ठोस अवस्था और द्रव अवस्था के अधिक होता है, ठीक है, ठोस अवस्था और द्रव अवस्था से अधिक होता है, अधिक होने के कारण ये दूर दूर बहुत होते हैं, ठीक है। इनके जो कण होते हैं गैसों के वो कैसे होते हैं, दूर दूर, देखो सारे टॉपिक में मैं आते इनके कणों की बात कर रहा हूँ, कणों की अगर इन्हें आप समझ लेंगे ना तो आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा, और इस टॉपिक में ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपको समझ में ना आए, ये ध्यान रखिएगा आप। प्लस काफी इसके लिए दाब लगाने पर अणुओं में को काफी पास लाया जा सकता है, इसमें अधिक प्रेशर लगाते हैं तब अणु, आपने देखे होंगे कि हम मतलब उसे सिलेंडर में भरते हैं तो गैस को अधिक कम प्रेशर लगाते हैं, तब हम उन अणुओं को इकट्ठा करकर उस गैस सिलेंडर में डालते हैं, या आप उस परफ्यूम वाले सिलेंडर से होते हैं छोटे छोटे उनमें डालते हैं, ठीक है। अब प्रसार की बात करें विस्तृत की, गैसों में अंतराणु आकर्षण बल अत्यधिक कम होता है, अतः ताप बढ़ाने पर गैस अत्यधिक प्रसार हो जाती है, अत्यधिक विस्तृत हो जाती है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ टॉपिक समझाने का और प्रयास कर रहा हूँ। गैस सभी दिशाओं में बहती है, अतः इनमें बहने का भी गुण होता है, भाप का भी गुण होता है, और ठोस तथा द्रवों की तुलना में गैसों में आकर्षण बल कैसे होता है, कम होता है। गैसों के कणों में गतिज ऊर्जा ठोसों और द्रव से अधिक होती है, ठीक है। गैसों की विसरण दर ठोसों तथा द्रवों से अधिक होती है, और गर्म गैसें तेजी से विसरित होती हैं, गर्म गैस विसरित होती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे बेटा तो आपको यहाँ पे एक चित्र सा बना नजर आ रहा होगा, यहाँ पे इसमें एक बैलून है, बैलून में गैस भरी हुई है और उसके कुछ कणों के बारे में दर्शाया हुआ है। तो आपने देखा इनकी जो स्थितियां हैं वो अत्यधिक दूरी हुई है, कैसे दूरी हुई है, तब आप कह सकते हैं कि ये कैसे बेटा, ये मतलब ज्यादा गतिशील है, कैसे बेटा, ज्यादा गतिशील है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको समझ में आया। प्लस हम बात कर रहे हैं पदार्थ जो कमरे के ताप पर द्रव जैसे जल वाष्प, एल्कोहल, ठीक है, एसीटोन वाष्प को गैसीय अवस्था को वाष्प कहते हैं। जो पदार्थ कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में होते हैं उन्हें गैस कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, CO2 की बात कर रहे हैं, O2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो रबर बैंड भी ठोस है, ठीक है, रबर बैंड भी ठोस है, हम उसे क्या कर रहे हैं, तागा से उसे तान तो लेते हैं पर उसका आकार कैसा हो जाता है, सिकुड़ कर वो अपने ही आकार में आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये रबर बैंड होती है वो भी क्या है, ठोस है। चीनी तथा नमक के विभिन्न प्रकार के बर्तनों में रखने पर ये उनका आकार ले देते हैं, परंतु इनके क्रिस्टलों का आकार नहीं बदलता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा नमक के और किसके नमक के ऐसे ऐसे कण, छोटे छोटे ऐसे स्क्वायर टाइप के कण होते हैं। तो बेटा हम क्या करते हैं कि किसी भी बोतल में रखते हैं पर वो बोतल का आकार तो ले लेते हैं बेटा, वो बोतल का आकार तो ले लेते हैं या उस डिब्बे का आकार तो ले लेते हैं, पर उनके कण क्या कहते हैं, कण तो वही रहते हैं, कणों में तो कुछ थोड़े चेंजेस नहीं आता है। तो हम कह सकते हैं तो ये चीनी और नमक भी कैसा बेटा, ठोस है। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आई होगी, ठीक है। टॉपिक अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, इतना शेयर कीजिएगा कि मजा आ जाए, लाइक कर दीजिएगा। और आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि हमें जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको, ठीक है, कमेंट के माध्यम से। तो वीडियो देखने के लिए बेटा आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।